हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनकुक वो वापस कोरिया आ रहा है। ये उन्होंने कहा, जनकुक तुम कोरिया क्यों जाने वाले हो? तुमने तो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर यहाँ पर चले आए थे ना, फिर वापस क्यों जाना है? वैसे भी तुम्हारी फैमिली ने पहले ही कह दिया था वापस तुम्हें अपने घर पर नहीं लेने वाला है, तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे? जनकुक ने कहा, यूनो लेकिन मुझे फिर भी जाना है। यूनो जनकुक से कहता है, लेकिन तुम वापस क्यों जाने वाले हो? जनकुक ने कहा, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यूनो ने कहा, लेकिन क्यों? जनकुक ने कहा, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे उनसे मिलना है। उसके बाद जनकुक तियांग के पास वापस आ जाता है। आखिर जनकुक के हस्बैंड जो है एक्स हस्बैंड, वो कोई और नहीं किम त्योंग। वो एक प्रोफेसर है और तियांग के साथ जनकुक की शादी करीब 5 साल पहले हो गया था, लेकिन जनकुक तियांग के साथ शादी नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि तियांग जनकुक के स्कूल की प्रोफेसर थे और जनकुक को तियांग से शादी नहीं करना था। उसका यही कहना था, तियांग उससे बहुत बड़ा है, वो उसके साथ कैसे रह सकता है? इतने बड़े आदमी के साथ जनकुक एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तियांग ने कहा, ठीक है हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो। जनकुक ने कहा, क्या मैं सच में आपको डिवोर्स दे सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तुमने शादी ही क्यों किया? तुमने पहले मना क्यों नहीं कर दिया? जनकुक ने कहा, मेरे डैड और मॉम ने मुझे फोर्सफुली शादी करवाया। तियांग ने जनकुक से पूछा था, तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा अगर तुम्हें शादी ही नहीं करना था? अगर तुमने मुझसे कह दिया होता तो मैं पहले ही तुम्हारे साथ शादी तोड़ देता। जनकुक ने तब तियांग से पूछा था, क्यों आपको मुझसे शादी नहीं करना था क्या? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो? तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम शादी नहीं करना चाह रहे थे तो मैं शादी को करके क्या करता? वैसे भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, इस शादी का क्या फ़ायदा? जनकुक ने कहा, आपने सही कहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी आसानी से मान जाओगे। अगर पता होता तो मैं इस शादी करने से पहले आपको बोल देता। आई एम सॉरी, तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो भी हुआ है, क्या तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ? जनकुक ने कहा, नहीं, उन लोगों ने पहले ही कह दिया मैं घर वापस नहीं जा सकता हूँ, आपके साथ ही रहना होगा। तियांग ने कहा, फिर तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें क्या करना है डिवोर्स लेने के बाद? जनकुक ने कहा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा है, अगर पता होता तो मैं पहले सोच लेता, लेकिन अब मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, तुम करना है क्या चाहते हो अपने लाइफ में, मुझे वो बताओ। जनकुक ने कहा, मुझे पढ़ाई करना है और अपने करियर पर फोकस करना है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उसके बाद जनकुक ने कहा, क्या आप सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम अपनी करियर को चुनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी फुल सपोर्ट करूंगा। आखिर मैं एक प्रोफेसर हूँ और मुझे इसके लिए तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। तुम कहाँ जाना चाहते हो पढ़ाई करने के लिए? क्या तुम यहीं पर रहकर ही पढ़ाई करना चाहते हो या फिर कहीं और? जनकुक ने कहा, मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ना है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए सारी तैयारियाँ कर दूंगा, वैसे भी अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। डिवोर्स देने के लिए मुझे 3 महीना इंतजार करना होगा। जैसे 3 महीने हो जाएंगे मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, तुम जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? जनकुक ने कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद तियांग ने जनकुक को अब्रॉड भेजने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। 2 दिन के अंदर ही जनकुक को अब्रॉड भेज देता है। जनकुक बहुत ही खुश है। अब्रॉड आने के बाद जनकुक ने यूनो के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती कर लिया। यूनो और जनकुक बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन गए। यहाँ पर तियांग वो जनकुक को कभी नहीं भूल पाएगा। तियांग को हमेशा जनकुक याद आते हैं, लेकिन जनकुक को तियांग याद है या नहीं तियांग नहीं जानता है। तियांग इतने सालों में बहुत ही कमज़ोर हो गया। तियांग इतनी उम्र के तो नहीं है, लेकिन वो जनकुक से प्यार करता था, उसको पसंद करते थे और इसीलिए शादी करने के लिए मान गया था। जब जनकुक के मॉम डैड ने तियांग से शादी के लिए कहा था, तियांग ने तुरंत हाँ कर दिया। तियांग को लगा शायद जनकुक ने भी शादी के लिए हाँ कहा होगा, लेकिन जब जनकुक ने तियांग से सारी बातें क्लियरली कह दिया कि वो उसके साथ नहीं रह सकता है, तियांग को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने जनकुक से कहा तो नहीं था, लेकिन वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। इन सालों में जनकुक को तियांग ने बहुत मिस किया। जनकुक वापस आने के बाद तियांग के घर आ गया और जैसे वॉचमैन ने जनकुक से कहा कि तियांग यहाँ पर नहीं है, जनकुक को लगा शायद तियांग यहाँ से कहीं और गया होगा, लेकिन जनकुक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो प्रोफेसर किम त्योंग की घर है ना। तो वॉचमैन ने कहा, आपने सही कहा है लेकिन वो घर पर नहीं है। जनकुक ने कहा, क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। तो उस वॉचमैन ने कहा, प्रोफेसर किम त्योंग की तबीयत बहुत ही खराब हो गया है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जनकुक ने कहा, क्या कितने दिनों से ये सब कुछ हुआ है? तो वॉचमैन ने कहा, 1 हफ्ता हो चुका है लेकिन वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया,
वो बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा है। वो खाना भी नहीं खाता है, वो अपना ध्यान भी नहीं रखते हैं, दवाई नहीं लेते हैं। वो बहुत ही बीमार पड़ चुके थे, उनको फीवर हो गया था। उसके बाद जैसी तबीयत और भी खराब होने लगा, हमने हॉस्पिटल लेकर जाकर उनको एडमिट कर दिया। जंगू ने कहा, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो आज मैंने कहा, आप हो कौन? तो जंगू ने कहा, क्या आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि 5 साल पहले मैं यहाँ पर। तो अजमेर ने कहा, तो आप ही हो वो जिसके लिए प्रोफेसर किम त्योंग इतने बीमार पड़ चुके हैं, आपको याद करते हुए। जंगू ने कहा, क्या मैं समझा नहीं। तो अजमेर ने कहा, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, क्या आप नहीं जानते हो? क्या आपने जब उनको छोड़कर चला गया, वो बहुत ही अकेला पड़ चुके थे। जंगू ने कहा, क्या मुझे अभी ये सब कुछ पता चल रहा है इतने साल बाद, और वो मेरे लिए बीमार पड़ चुके हैं। मुझे किसी ने कहा भी नहीं। एक है तो वो एड्रेस लेकर त्यांग के पास बहुत ही ज़्यादा घबराहट के साथ भाग कर आने लगा। वाजमीन ने कहा, वो भी उसको पसंद करता होगा, दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हुए थे पता नहीं। आजकल के बच्चे भी ना शादी तो कर लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। जनकुक जब त्यांग से मिलने आ रहा था, वो रास्ते के बीच में कार रोक कर एक बुके बनाकर लेकर आए थे त्यांग के लिए, उसके पसंदीदा फूलों को लेकर। त्यांग हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ है। जनकुक बुके को हाथ में लेकर कहता है, मैं उनसे जाकर क्या कहूँगा, सॉरी, या फिर जो मैं कहने के लिए हूँ वो। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे लिए इतना सोचता है और मुझे इतना पसंद करता है, अभी मुझे क्या कहना चाहिए। त्यांग बहुत ही स्लोली आइस ओपन करता है। उसने देखा कि जनकुक दरवाजे पर है। त्यांग को बहुत ही बड़ा झटका लगा। जिमिन त्यांग के पास ही बैठा हुआ था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ त्यांग, बाहर क्या देख रहे हो? त्यांग ने कहा, कुछ नहीं, वो मुझे दिन में सपना दिख रहा है, मैं लगता है पागल हो गया हूँ। जिमिन ने कहा, त्यांग ऐसी बातें मत किया करो, तुम पागल क्यों होने लगे? देखो त्यांग, क्या तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए? क्या तुम उसको पसंद करते हो? तुमने उसे कहा क्यों नहीं था? उसको जाने क्यों दिया? त्यांग ने कहा, जिमिन छोड़ो भी, ये सब कुछ बोलने की क्या जरूरत है, जो चला गया उसको जाने दो ना, वैसे भी वो मेरा कभी था ही नहीं, किसी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रखना चाहिए। जिमिन ने कहा, त्यांग तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना, तुम बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हो और तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। त्यांग ने कहा, जिमिन आप छोड़ो भी। जिमिन ने कहा, त्यांग क्यों छोड़ूंगा, अगर मेरे पास इतने पावर होते ना, मैं जनकुक को वापस लेकर आता तुम्हारे पास। जनकुक अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। जिमिन ने जनकुक को देखकर त्यांग से कहा, त्यांग देखो ना मुझे क्या हो गया, तुम्हारी केयर करते करते मुझे तुम्हारे साथ साथ दिन में सपना देखने को मिल गया, मुझे जनकुक दिखाई दे रहा है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अभी उसका नाम लिया और वो मेरे सामने आ गए। त्यांग ने कहा, जिमिन लगता है तुम भी मेरे जैसे पागल बन गए हो। जनकुक ने कहा, आप दोनों ही पागल हो, आप दोनों को मुझसे कह देना चाहिए था, आप लोगों ने मुझसे कॉल क्यों नहीं किया और मुझे कहा क्यों नहीं कि प्रोफेसर बीमार है? जिमिन ने कहा, क्या तुम सच में यहाँ पर हो? तो फिर टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हैं। जनकुक त्यांग को लेकर घर आ गया था और त्यांग ने कहा, तुम मुझे घर क्यों लेकर आए? मैं बीमार हूँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? जनकुक ने कहा, प्रोफेसर आप कुछ नहीं कहने वाले हो, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं कि आप बीमार हो और इतनी आसानी से आपने डिवोर्स पर भेज दिया? आपको चाहिए क्या है? मुझे पता चले कि आप मुझे पसंद करते हो और आप मेरे लिए ही बीमार पड़ चुके हो तो मुझे क्यों नहीं पता है? आपने मुझे क्यों नहीं कहा था? त्यांग ने कहा, क्या तुमने उस डिवोर्स पेपर को अच्छी तरह से देख लिया था? जनकुक ने कहा, क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हो? त्यांग ने कहा, क्या मतलब है, क्या तुमने उस पर साइन नहीं किया है? जनकुक अपने सर नीचे कर लेता है। त्यांग ने कहा, क्या बात है जनकुक, तुम उसे क्या छुपा रहे हो? क्या तुमने उसको नहीं देखा है? मुझे लगा ही था कि तुमने नहीं देखा होगा, वरना तुम्हें पहले पता चल गया होता। जनकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। त्यांग ने कहा, क्या तुम वो अपने साथ लेकर आए हो? जनकुक ने कहा, हाँ। तो त्यांग ने कहा, उसको निकालो। जनकुक उसको निकल कर लेकर आता है। त्यांग ने कहा, तुमने भी इस पर साइन नहीं किया है? जनकुक ने कहा, क्या मतलब है कि मैंने भी साइन नहीं किया है? तो फिर त्यांग ने जनकुक से कहा, तुम खुद ही देख लो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे जनकुक ने डिवोर्स पेपर को चेक किया, उसने देखा कि त्यांग ने भी साइन नहीं किया था, वो बस ऐसे जनकुक के पास भेज दिया था। जनकुक ने कहा, आपने साइन नहीं किया था तो फिर मुझे पता क्यों नहीं चला? त्यांग ने कहा, क्योंकि तुमने भी साइन नहीं किया है, शायद तुमने उसको खोलकर देखा ही नहीं। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी कैरियर इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुमने डिवोर्स पेपर को देखा भी नहीं? जनकुक ने कहा, मुझे साइन नहीं करना था, क्योंकि मैं जब यहाँ से गया तभी मुझे पता चल गया था कि मैं आपको कितना पसंद करने लगा था।
आप मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद में आपको मैं भूल ही नहीं पा रहे थे। मुझे आपसे प्यार होने लगा तो मैं उस पेपर पर साइन नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने चेक नहीं किया है। त्यांग ने कहा, चाहे जो भी हुआ है लेकिन अभी तुम्हें ऐसे जाना चाहिए, तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं रह सकते हो, तुम वापस चले जाओ। जंगू ने कहा, मुझे नहीं जाना है, मैं आपकी ध्यान रखना चाहता हूँ, आप बीमार हो मेरी वजह से। त्यांग ने कहा, किसने कहा, तुम्हें ये सब कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने कैरियर पर फोकस करो, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। जंगू ने कहा, मैं 22 साल का हो चुका हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और मुझे आपके साथ रहना है। हम दोनों ने ही डिवोर्स पेपर साइन नहीं किया है, इसका मतलब मैं चाहो तो आपके साथ रह सकता हूँ। त्यांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, आखिर तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए पहले से ही तैयार थे, साइन नहीं किया है लेकिन मन में तो जरूर सोच लिया होगा ना पहले, तो मैंने भी तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दिया, तो मैं तुम्हारी एक हस्बैंड हूँ और तुम मुझे भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो। जंगू ने कहा, त्यांग बस कीजिए आप, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ, मैं आपके लिए सूप बना कर लाता हूँ, आप कुछ और नहीं कहने वाले हो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। एक कहते जंगू त्यांग के लिए सूप बनाने के लिए जाते हैं। जंगू को इस तरह से उसके लिए सूप बनाते हुए जाते देखकर त्यांग को अच्छा लगा, पहली बार त्यांग के लिए किसी ने कुछ करने के बारे में सोचा है। त्यांग उठकर बेड से किचन में आ जाता है। जंगू त्यांग के लिए सूप के बॉल तैयार कर रहा था। त्यांग पीछे से आकर जंगू को हक कर लिया और इसकी गले पर किस कर लिया। जंगू ने बहुत ही शायली कहा, आप यहाँ पर क्यों आए, आपको बहुत ही पेन हो रहा होगा ना पूरी बॉडी पर, आपको नहीं आना चाहिए था, सीढ़ियों से नीचे उतर कर आपको बहुत आने में तकलीफ हुआ होगा। त्यांग ने कहा, किसने कहा, तुम्हें देखा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तुम्हें नहीं पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है जंगू, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। जंगू जैसे त्यांग के सामने टर्न होता है, त्यांग जंगू की लिप पर किस करने लगा। जंगू ने भी त्यांग को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। उसके बाद जैसे स्वीट को चाशनी में डुबो कर रखता है ताकि वो थोड़ा सा और रसीला बन जाए, वैसे ही जंगू का त्यांग एक दूसरे को किस कर रहा था, जैसे उन दोनों की प्यार और भी उभर के बाहर आ रहा था, दोनों बहुत ही नज़दीक आ गए थे। जंगू का त्यांग की बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली टच हो रहा था। जंगू का त्यांग दोनों ही हॉट फील कर रहे थे। त्यांग जंगू के कमर में दोनों हाथों से कस के पकड़कर उसको किचन की दीवार पर बैठाने के बाद उसकी लिप पर लगातार किस करता रहा और वहीं पर ही उसके ऊपर आने लगे। जंगू ने कहा, क्या कर रहे हो, बीमार हो, आपको मुझे इस तरह से नहीं उठाना चाहिए। त्यांग ने कहा, जंगू कुछ मत कहो, अभी मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगू ने कहा, त्यांग लेकिन हम किचन में हैं। त्यांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगू के हाथ पकड़कर जंगू ने कहा, कहाँ लेकर चलो, पहले सूप पी लो, वो ठंडा हो जाएगा। त्यांग ने कहा, ठीक है, पहले सूप पी लेते हैं। उसके बाद त्यांग अपने मुंह में सूप लेते हुए जंगू को किस करने लगा। ऐसे ही कुछ देर सूप पीने लगा और जंगू को किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिकली सूप को पी रहे थे, दोनों ही मज़े ले रहे थे। जंगू त्यांग की लैंप पर आकर बैठ जाते हैं। त्यांग उसको फिर से किस करने लगा, उसकी गले पर बाइट करने लगे और इसके बाद सोफे में चले जाते हैं। सोफे पर जाकर दोनों इंटीमेट होने लगा। अचानक कुछ गिनी की आवाज़ सुनकर जंगू ने कहा, त्यांग कौन है यहाँ पर, क्या कोई और भी रहता है तुम्हारे साथ। त्यांग ने कहा, जंगू मुझे नहीं पता कौन आया है क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं रहता है, शायद यूनटेन होगा। एक कहते जंगू के हाथ पकड़कर उसको सीढ़ियों से खींचकर लेकर जाने लगा। जंगू ने कहा, क्या कर रहे हो त्यांग, तुम बीमार हो, ऐसे मत करो, चलो ले चलो। त्यांग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, यूनटेन आकर हम दोनों को इस तरह से देख लेगा, हमें ऊपर रूम में जाना होगा। जंगू ने कहा, त्यांग लेकिन तुम इस हालत में क्या करने वाले हो। त्यांग ने जंगू के यार के पास जाकर उस पर करते हुए कहा, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, वो सब कुछ करने वाला हो जो अभी तक नहीं किया है। जंगू ने कहा, त्यांग मुझे पता नहीं था तुम इतने, तो त्यांग ने उसकी लिप पर किस कर लिया, उसको किस करते करते बेडरूम के अंदर लेकर आए। पैरों से दरवाज़ा बंद करने के बाद जंगू को त्यांग ने बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए। जंगू ने त्यांग के लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, वो भी इस हालत में, तुम 40 ईयर्स के हो चुके हो, इतना प्रेशर मुझ पर मत डालो, तुम्हारे कमर दुखने लगेगा। त्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मैं 40 ईयर्स का हो चुका हूँ, क्या मैं बुढ़ा हो चुका हूँ क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं बीमार हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने देखा ही नहीं मेरी पावर को। जंगू ने कहा, तुम क्या करने वाले हो। त्यांग ने जंगू को बोलने का मौका ही नहीं दिया। नेक्स्ट डे सुबह को
जनकुक दयांग के चेस्ट पर अपने सर रखकर लेटा हुआ था और चद्दर से दोनों की बॉडी हाफ ढके हुए थे। यूनटेन दोनों के ऊपर आकर बैठा हुआ था। अचानक दोनों की नींद टूट जाता है। जनकुक यूनटेन को देखकर डर जाता है। दयांग ने कहा, क्या हुआ यूनटेन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम देख रहे हो ना डैडी क्या कर रहा है, वो बिजी है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। तुम्हें बाहर घूमने लेकर जाऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। आई एम सो सॉरी कि मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था, फिर से सॉरी कहता हूँ। लेकिन यूनटेन उन दोनों के ऊपर में से हट नहीं रहा था। तियांग समझ गया था कि यूनटेन को क्या चाहिए। यूनटेन को तियांग अपने पास बुलाकर उसको थोड़ा सा लाल प्यार देने के बाद उससे कहा, ये तुम्हारी अप्पा है, अब तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना नहीं पड़ेगा। तुम हम दोनों के साथ ही रह सकते हो और तुम्हें जनकु के साथ भी दोस्ती करना चाहिए। तुम उसके साथ जेलेस नहीं हो सकते हो। फिर भी यूनटेन नहीं जा रहे थे। जैसे जनकुक ने यूनटेन को थोड़ा सा प्यार दिया, यूनटेन जनकुक के करीब आने लगा और इसके बाद तियांग और जनकुक यूनटेन को लेकर तैयार होकर बाहर घूमने आ जाते हैं। यूनटेन बहुत ही खुश लग रहा था और जनकुक और तियांग भी बहुत ही खुश लग रहे थे। तीनों साथ में एक पूरे फैमिली की तरह बाहर घूम रहे थे। जनकुक ने तियांग से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं। तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें मैं जहाँ पर भी लेकर जाऊँ क्या तुम नहीं जाओगे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जनकुक ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे मेरे घर पर लेकर जा रहे हो। तियांग ने कहा, क्यों, तुम अपने मॉम डैड से नहीं मिलना चाहोगे, वो लोग तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान हो गए थे, उन लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन फाइनली मुझे कहना पड़ा कि मैंने ही तुम्हें अब्रॉड भेज दिया पढ़ने के लिए। तो उन लोगों को बहुत बुरा तो लगा था, वो लोग मुझसे भी नाराज़ हो गए थे, लेकिन मैंने बाद में उन लोगों को समझा दिया तो वो लोग समझ गए। अब तुम वापस आ गए हो और हम दोनों साथ में हैं, तो उन दोनों से जाकर मिलना चाहिए ना और उन दोनों से ब्लेसिंग लेना चाहिए, वो लोग बहुत ही नाराज़ होंगे। जनकुक ने जैसे ही तियांग के साथ अपने घर आया, वो अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत ही खुश हो जाता है। जनकुक के मॉम डैड भी जनकुक को देखकर रोने लगता है। जनकुक ने कहा, सॉरी मॉम डैड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके मॉम डैड ने कहा, जनकुक हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हम तुम्हारी कभी बुरा नहीं चाहेंगे, तुम हमारे सन हो इकलौता, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तुम जिस चीज़ में भी खुश हो ना उसी में ही हमारी खुशी है। जनकुक ने कहा, मुझे आप लोग की पसंद के साथ ही रहने में खुशी है, मैं अपने प्रोफेसर हस्बैंड को बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैंने आप लोग की पसंद को कदर नहीं किया। तो उसके बाद उन लोगों ने भी जनकुक को माफ़ कर दिया और जनकुक का तियांग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जनकुक का तियांग को खुश देखकर जनकुक के पेरेंट्स भी बहुत ही खुश लग रहा था। और तियांग के पेरेंट्स, वो लोग तो बहुत ही पहले गुजर चुके थे, तियांग की फैमिली में कोई नहीं था जनकुक के अलावा। अब जनकुक आ गए हैं तो तियांग की फैमिली पूरे हो गए। तो इसी के साथ ही दियन कहता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।